हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र में। तो फ्रेंड्स, कल की वीडियो में हम लोगों ने जाना था हिंदी की उपभाषा एवं बोलियों के बारे में जाने थे, और हिंदी की बोलियों के बारे में जाने थे, वर्गीकरण और उसके क्षेत्र के बारे में। तो बोली के बारे में हम लोग समझ गए थे, उपभाषा किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, और उपभाषाएँ कितनी है हिंदी की, इन सभी के बारे में हम लोग जाने थे। तो हिंदी की जो उपभाषाएँ हैं पाँच हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। तो इन सभी उपभाषाएँ जो है, इन सभी उपभाषाओं के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियाँ आती है, उसी का परिचय हम लोग इस वीडियो में करेंगे। उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए इसका एक नेक्स्ट वीडियो और आएगा, क्योंकि सारे के सारे इसमें नहीं आते, तो कुछ का इसमें है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में वो हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए जानते हैं प्रमुख बोलियों का संक्षिप्त परिचय करते हैं। तो सबसे पहले है कौरवी, और कौरवी जो बोली है ये किसके अंतर्गत आती है, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। मूल नाम इसका कौरवी है, इसे खड़ी बोली के नाम से भी जाना जाता है। साहित्यिक भाषा बनने के बाद इसका जो नाम पड़ा, खड़ी बोली का नाम पड़ा। और बीम्स ग्रेशन, सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा इत्यादि, यानी आदि अधिकांश भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार जो है खड़ी बोली का आधार है वह कौरवी। इन सभी ने माना, किसने, बीम्स ग्रेशन, सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, इन सभी के अलावा भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार जो है अधिकांश भाषा वैज्ञानिकों ने यही माना कि खड़ी बोली का जो आधार है वह कौरवी है। ठीक है, क्वेश्चन इससे बहुत सारे बन सकते हैं कि ग्रेशन ने जो माना है खड़ी बोली का आधार किसे माना है, तो कौरवी को माना है। बीम्स ने खड़ी बोली का आधार किसे माना है, तो कौरवी को माना है। और इस टाइप से मैं जो थोड़ा थोड़ा नोट्स टाइप का जो बना के लाती हूँ आप सभी के लिए, तो ये मैं इसलिए लेके आती हूँ कि इसको पढ़ने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें रहती हैं, और जो कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सारी की सारी बातें नहीं आ सकती है, तो ये थोड़ा डिटेल करके, थोड़ा संक्षिप्त परिचय, मुख्य बातों को लाके ये मैं थोड़ा नोट्स टाइप का जो लाती हूँ, तो ये बहुत ही अच्छा होता है। इससे मैं समझा भी देती हूँ आप सभी को, और आप सभी भी समझ भी जाते होंगे, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चनों का भी सॉल्व हो जाता है। अन्य नाम, अगर अन्य नाम की बात की जाए तो और किस नाम से जाना जाता है कौरवी को, तो बोलचाल की हिंदुस्तानी, सर हिंदी, वर्नाक्यूलर, खड़ी बोली आदि, तो इन सभी नामों से भी कौरवी बोली को जाना जाता है। केंद्र की बात कही जाए तो किस किस जगह पे खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है, तो मेरठ, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र जो है खड़ी बोली का एक बड़े भूभाग में बोली जाती है। उसके बाद है रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, है ना, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून, मैदानी भाग, अम्बाला और पटियाला के पूर्वी भाग में भी यह बोली जाती है। तो यह सभी जो है खड़ी बोली के महत्वपूर्ण केंद्र हैं, इन सभी जगहों पे खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है। बोलने वालों की संख्या की अगर बात की जाए तो कितने लोग जो हैं जो खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं, यानी कि कौरवी का प्रयोग करते हैं, तो 1.5 से 2 करोड़ तक के लोग जो हैं खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं। साहित्य की अगर बात की जाए तो क्या स्थान है, तो मूल कौरवी में जो है लोक साहित्य उपलब्ध है, जिसमें कि गीत, नाटक, लोक कथा, गप, पहेली इत्यादि शामिल है। इसकी विशेषता, तो इसकी विशेषता के बारे में जानते हैं, तो आज की हिंदी मूलतः जो है कौरवी पर ही आधारित है। ऐसा माना जाता है कि आज की हिंदी जो है मूलतः जो है उसका आधार जो है क्या है, कौरवी ही है, ऐसा माना जाता है। दूसरे शब्दों में हिंदी भाषा का मूलाधार जो है कौरवी या खड़ी बोली है। अगर दूसरे शब्दों में इसे कहा जाए तो हिंदी भाषा का जो मूलाधार जो माना जाता है वह कौरवी या कहें खड़ी बोली को माना जाता है। और इसमें मुख्य बातें यह है कि इस बोली के अक्षरों में जो है स्वर का लोप हो जाता है, यानी कि कौरवी बोली जो प्रयोग की जाती है, खड़ी बोली जो प्रयोग की जाती है, तो इसमें क्या होता है, स्वर का लोप हो जाता है, स्वर जो है लुप्त हो जाता है। जैसे कि आप देखें उदाहरण के रूप में, अंगूठा, हम लोग अंगूठा बोलते हैं, तो अंगूठा का यानी कि अ जो स्वर आया इसमें वह लुप हो गया और गुंठा रह गया। असाड़, असाड़ में अ जो है स्वर वह लुप हो गया, साड़ बन गया, यानी कि ये सभी जो है ओ का यानी स्वर का लुप हो जाता है और बाकी जो शब्द हैं उसका ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उठना, उठना का ठाना का यहाँ पे लोग उठना को ठाना बोलते हैं, कौरवी बोली जहाँ पे बोली जाती है तो इस टाइप से लोग बोलते हैं, यानी कि स्वर जो रहता है वो लोप हो जाता है शब्द में और बाकी के जो बचे शब्द होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इलाज, इलाज को बोलते हैं लाज। ठीक है, और एक बातें और आती है इसमें कि इसमें दीर्घ स्वर के बाद भी व्यंजन का
द्वित्व रूप देखने को मिलता है। जैसे कि गाड़ी का प्रयोग हम लोग करते हैं, बोलते हैं गाड़ी, तो यहाँ के लोग जो कौरवी प्रयोग करते हैं यानी कौरवी बोली जो बोलते हैं, तो वो लोग बोलते हैं गड्डी, बेटा को बोलते हैं बेट्टा, सजा को बोलते हैं सज्जा। तो इस टाइप से लोग प्रयोग करते हैं। तो ये थे कौरवी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। बाकी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे जिसमें कि इसकी महत्वपूर्ण बातें आएगी। उम्मीद करती हूँ कि कौरवी के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब है हरियाणी। हरियाणी की बात की जाए तो हरियाणी जो बोली है, हरियाणी या हरियाणवी का जो विकास हुआ है वह हुआ है उत्तरी शोर से यानी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से। यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है कि हरियाणी भाषा या हरियाणी बोली का विकास किससे हुआ है, किस अपभ्रंश से हुआ है। तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, और सौरसेनी अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है, तो पश्चिमी रूप से हुआ है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट इसमें बातें हैं उसे हाईलाइटर से हाईलाइट किया गया है, आप इसे नोट कर सकते हैं। क्षेत्र की बात अगर कही जाए तो हिसार, रोहतक, करनाल, पटियाला, नाभा, जींद और दिल्ली प्रदेश का सम्मिलित भूभाग है। हरियाणा और वहाँ की बोली को हरियाणवी कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि हरियाणवी किसे कहते हैं, तो हरियाणा की जो बोली है उसे ही हरियाणवी कहा जाता है। और इसके जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहाँ पे ये बोला जाता है, तो हिसार, रोहतक, करनाल, पटियाला, नाभा, जींद और दिल्ली का सम्मिलित भूभाग है। इसके बारे में और महत्वपूर्ण जानकारियाँ थोड़ी सी मिलती है कि ग्रिगेशन ने हरियाणी को बांगरू का नाम दिया है। इन्होंने माना कि हरियाणी जो है, हरियाणी बोली वह क्या है, बांगरू बोली है, और इस क्षेत्र में जाटों का बहुमूल्य है, अतः इस बोली को जादू भी कहते हैं। किस बोली को जादू कहते हैं, तो हरियाणी बोली को जो है जादू भी कहा जाता है। और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने क्या कहा था कि हरियाणी को स्वतंत्र बोली न मानकर खड़ी बोली का ही एक उपरूप माने हैं। और हरियाणी में अगर लोक साहित्य के बारे में अगर बात की जाए, तो हरियाणी में लोक साहित्य पर्याप्त है, परंतु साहित्य का अभाव सा है इसमें, ऐसा देखने को मिलता है। तो ये थी हरियाणा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अब आती है बात बुंदेली के बारे में। तो बुंदेली का जो क्षेत्र है यानी कहाँ कहाँ पे बुंदेली बोली का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की सीमा के झांसी, जलोन, हमीरपुर, बांदा, छतरपुर, सागर, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा, नरसिंहपुर, सिवनी आदि, उसके निकटवर्ती भूभाग के इत्यादि, ये सभी जो क्षेत्र है ना। सीधा सी बात याद रखना है कि ध्यान में कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं, झांसी, जनोल, हमीरपुर, बांदा, छतरपुर, सागर, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा, नरसिंहपुर, सिवनी इत्यादि जगहों में किसका प्रयोग किया जाता है, तो बुंदेली बोली का प्रयोग किया जाता है। और उसके निकटवर्ती भूभाग को बुंदेलखंड कहते हैं, तथा इसकी बोली को बुंदेलखंडी या बुंदेली कहते हैं। इसी की बोली को क्या कहा जाता है, बुंदेलखंडी या बुंदेली कहा जाता है। और इसका जो नाम पड़ा था ना बुंदेलखंड, तो कैसे नाम पड़ा था, तो बुंदेला राजपूत के आधिपत्य के कारण इस क्षेत्र का नाम जो है बुंदेलखंड पड़ा था। और दूसरी बात, एक इम्पोर्टेंट बात यह आती है कि लाल कवि ने छत्रसाल बुंदेला की आज्ञा से बुंदेली में छत्र प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना भी किए थे। और इसमें लोक साहित्य की अगर बात की जाए, तो लोक साहित्य की बात अगर करते हैं, तो लोक साहित्य के बारे में यह पता चलता है क्या कि पर्याप्त मात्रा में लोक साहित्य उपलब्ध है, जिसमें कि ईश्वरी के फाग बहुत ही प्रसिद्ध है ना। और हिंदी प्रदेश की जो प्रसिद्ध लोक गाथा है अल्लाह, मूलतः बुंदेली की उपबोली यानी वनाफरी में ही लिखा गया है। और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार अगर देखा जाए, तो बुंदेली कनौजी के समान ही ब्रज की एक उपबोली है, ऐसा उन्होंने माना है। ये सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग देख लेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट लगा तो ऑब्जेक्टिव में मैं इसे डाल दी हूँ। बाकी की बातों को देखते हैं। तो बुंदेली में 10 स्वर हैं, ओ आ, हर्षई दीर्घई, हर्षौ दीर्घऊ, ऐ औ, के अनुनासिक रूप मिलते हैं। जैसे कि देख लीजिए इन सभी का अनुनासिक रूप कैसे मिलता है देखने को। जैसे कि उठा यानी कि अंगूठा को उठा, नाखून को न्यू, इस टाइप से यहाँ पे लोग प्रयोग करते हैं। किसमें, बुंदेली भाषा में, बुंदेली बोली में। अब आती बात वस्तुनिष्ठ प्रश्न। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बन के आए थे जो इसे मैं डाली हूँ, चलिए देखते हैं। तो हिंदी की उपभाषाओं का सही संख्या क्या है, तो हिंदी की उपभाषाओं की सही संख्या क्या है, पिछले वीडियो में मैं बताई थी। अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो को भी देख लें, क्योंकि उस वीडियो को देखेंगे तभी आपको आगे की बात समझ में आएगी। इसका एक और पार्ट आएगा।
तो हिंदी की उपभाषाओं की सही संख्या क्या है? जो लोग भी इस वीडियो को देखे होंगे, पहले वाले वीडियो को, तो बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर लगा दिया होगा। इसका 5 है, 6 है, 7 है या 8 है? तो हिंदी उपभाषाओं की जो संख्या है वह है 5। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 5। कौन कौन सी है? तो वह है पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है और बिहारी हिंदी है। तो इन 5 उपभाषाओं का अनुक्रम है। तो हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? तो 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोलियां हैं, तो पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोलियां कौन कौन सी है? मारवाड़ी है, जयपुरी है, मेवाती है या मालवी है? दूसरा ऑप्शन है कौरवी, ब्रज, हरियाणी, बुंदेली, कन्नौजी है। तीसरा ऑप्शन है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी है। चौथा ऑप्शन है भोजपुरी, महगी और मैथिली। ये सभी बताया गया है पिछले वीडियो में। तो पश्चिमी हिंदी की उपभाषा की जो बोलियां हैं वह क्या है? इसका ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा कौन सा, बी सही हो जाएगा, कौरवी, ब्रज, हरियाणी, बुंदेली और कन्नौजी। और अभी तुरंत हम लोग जो पढ़ रहे थे तो पश्चिमी हिंदी की उपभाषाओं की बोलियों के बारे में ही पढ़ रहे थे, है ना। कौरवी के बारे में भी हम लोग जाने, हरियाणी के बारे में जाने, बुंदेली के बारे में जाने, बाकी ब्रज और कन्नौजी के बारे में नहीं जाने हैं अभी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे इसको भी। तो पश्चिमी हिंदी की उपभाषाओं की बोलियाँ कौन कौन सी है? कौरवी है, ब्रज है, हरियाणी है, बुंदेली है और कन्नौजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणी, कौरवी और दक्षिणी बोलियाँ हैं। हरियाणी, कौरवी और दक्षिणी बोलियाँ हैं कौन सी बोलियाँ हैं? अकार बोलियाँ हैं, इकार बहुला है या फिर औकार बहुला है या फिर औकार बहुला है। अकार बहुला है, इकार या औकार या फिर औकार। तो कौन सी ये बोली है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, अकार बहुला है। हरियाणी, कौरवी और दक्षिणी बोलियाँ जो है क्या है? अकार बहुला है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणी, कौरवी और दक्षिणी बोलियों पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव अधिक है? हरियाणी, कौरवी और दक्षिणी बोलियों पर सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव अधिक है? जयपुरी का है, पंजाबी का है, गुजराती का है, मराठी का है? तो इस पर जो प्रभाव देखने को मिलता है वह है पंजाबी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, पंजाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुंदेली किस बोली की उप बोली है? बुंदेली जो है किस बोली की उप बोली है? कन्नौजी की है या फिर अवधी की है या फिर ब्रज की है या फिर भोजपुरी की है? तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, बुंदेली किस बोली की उप बोली है? तो यह जो है ब्रज की उप बोली है। ऐसा माना गया है किसके द्वारा? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार माना गया है कि बुंदेली जो है ब्रज की एक उप बोली है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बोलियों को उनकी उपभाषाओं से सम्मिलित करते हुए दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। इसमें जो है ना 4 के 4 क्वेश्चन आंसर जो हैं सॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, बोलियों को उपभाषाओं से मिलाना है तो कौन कौन सी बोली उपभाषा, यानी कौन कौन सी उपभाषा की बोलियाँ हैं यहाँ पर दिया हुआ। तो सबसे पहले है अवधी, तो अवधी जो है अवधी बोली किस उपभाषा की बोली है? इसका है ऑप्शन नंबर जो है 4 सही हो जाएगा, है ना, ए का 4 हो जाएगा, 4 मैं यहाँ लिख देती हूँ। फिर है ब्रज, ब्रज जो है किस उपभाषा की बोली है? तो ब्रज है पश्चिमी हिंदी की, ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा, बी का। फिर है कुमाऊनी, कुमाऊनी या पहाड़ी हिंदी की है ना बोली। महगी, तो महगी है बिहारी हिंदी की। तो 3 का यानी सी का 2 है और डी का 1 है। तो देखते हैं कूट में किस में मिलता है यह, 4, 3, 2, 1। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाता है, है ना, 4, 3, 2, 1 मिल रहा था ना। महगी का मिला 1 यानी डी का 1 देखें यहाँ पे। फिर कुमाऊनी जो है यह पहाड़ी हिंदी है, तो सी का 2 देख लिए हम लोग। फिर उसके बाद है महगी का है बिहारी हिंदी है, ये तो देख ही लिए थे। ब्रज का है पश्चिमी हिंदी, बी का 3। तो इस प्रकार से हम लोग देखें, अवधी का है पूर्वी हिंदी, तो डी इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धमादी अपभ्रंश से विकसित बोलियां हैं, तो अर्धमादी अपभ्रंश से विकसित बोलियां कौन सी है? अवधी है, बघेली है या फिर छत्तीसगढ़ी है, भोजपुरी है, महगी है या मैथिली है, ब्रज, कौरवी या कन्नौजी है, मारवाड़ी, ढूनानी या मेवाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा?
अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोलियां जो है वह क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अवधि बघेली और छत्तीसगढ़ी, अवधि बघेली और छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर कोसल की बोली है, तो उत्तर कोसल की बोली कौन सी है, बघेली है, अवधि है, छत्तीसगढ़ी या बनाफरी है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उत्तर कोसल की जो बोली है वह अवधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण कोसल की बोली है, तो दक्षिण कोसल की बोली कौन सी है, अवधि है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी या बुंदेली है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दक्षिण कोसल की जो बोली है वह छत्तीसगढ़ी है, उत्तर कोसल की बोली जो है वह है अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है, इसमें से बहुत तीन सही दिए गए हैं, बाकी एक जो है वो गलत है, देखते हैं कौन सा सुमिलित इसमें नहीं है। तो बुंदेली पश्चिमी हिंदी ये सही है, अवधि पूर्वी हिंदी ये भी सही है, मैथिली बिहारी हिंदी ये भी सही है, मारवाड़ी मारवाड़ी पहाड़ी हिंदी ये गलत हो जाएगा। मारवाड़ी जो है यह क्या है, राजस्थानी हिंदी की बोली है, यह जो है गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यह जो है सुमिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, मारवाड़ी जो है क्या है, राजस्थानी हिंदी की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रियसन ने किस बोली को बांगरू कहा है, तो ग्रियसन ने किस बोली को बांगरू कहा है, हरियाणी, जयपुरी, मैथिली या छत्तीसगढ़ी। तो ग्रियसन ने बांगरू जो बोला है तो किस बोली को बोला है, हरियाणी बोली को बोला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण बोलियों के बारे में संक्षिप्त परिचय और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कॉर्बी के बारे में और बुंदेली के बारे में, हरियाणी के बारे में समझ विकसित हुई होगी आप सभी की, अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट वीडियो में बाकी बोलियों को हम लोग देखेंगे। और फ्रेंड्स, मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि आप सभी को कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, अगर पसंद आए तो लाइक भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।